हेलो। अरे क्या बात है जानू, अभी मैं तुमको ही फोन लगाने वाला था। एक खुशखबरी है। हाँ खुशखबरी, जल्दी बताओ ना जानू प्लीज। अरे मेरी दिवाली की छुट्टी हेडक्वार्टर ने मंजूर कर ली। अरे मैं आ रहा हूँ, दिवाली साथ में मनाएंगे। सच्ची? अरे मुच्ची जानू, मैं ऐसी तैयारी करूंगी ना, अब देखते रह जाओगे। जरा पिताजी को फोन देना। वो पिताजी मार्केट गए हुए। अच्छा पिताजी मार्केट गए। उनके आने के बाद उनको ये खुशखबरी देना। चल रखता हूँ, लव यू जान। तुम्हें भी मेजर साहब, लव यू टू। और पीके, बड़ा गबरू जवान दिख रहा बा तू। इससे पहले पोस्टिंग कहाँ थी तेरी? पहले मैं राजस्थान बॉर्डर पे पोस्टिंग थी मेरी, अभी तो हफ्ता पहले यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। ओए की फरक पंदा, ड्यूटी कितने भी हो, देश की रक्षा से मतबल हो। ये बात तो सही है। वैसे अपने छोटू मेजर साहब जो है वो कड़क आदमी है क्या? नहीं नहीं, अपने मेजर साहब सोना है सोना। क्यों पहलवान जी? हाँ बड़े अच्छे स्वभाव के, प्यार करे बेधड़क और ड्यूटी करे एकदम कड़क। बोले तो मूर्ति लहान कीर्ति महान। ओ 10 साल से अपने घर दिवाली नहीं मनाई, मगर माथे बीच बल नहीं आया मेजर साहब नु। अच्छा 10 साल से मेजर साहब अपने घर नहीं गए? अरे गए मगर दिवाली के मौके पर इमरजेंसी आ जाती, इसलिए उनकी दिवाली की छुट्टी कैंसिल हो जाती। अच्छा तो ऐसी बात है। वो देखो मेजर साहब इधर ही आ रहे। सादत, विक्रम, देश के बहादुर जवानों, सब ठीक है? यस सर। गुड। देखो हेडक्वार्टर ने मेरी दिवाली की छुट्टी मंजूर कर ली, मेरे बाद कमान पहलवान जी संभालेंगे। ओके। यस सर। सर पिताजी से मेरा नमस्ते कहना। लेकिन सर हम दिवाली पे आपको बहुत मिस करेंगे। थैंक्स। और जब तक के मैं ना आऊं, देश की रक्षा में सतर्क रहना। क्लियर? यस सर। सर घर वालों बीच दिवाली ना मजा डबल आंदा है। हैप्पी दिवाली। मेरी शुभेच्छा आपके साथ है सर। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? मेरी बीवी और मेरे पिताजी। अब तीसरा मैं जा रहा हूँ। 5 दिन के बाद मुझे जाना है, दुश्मनों पर नजर रखना। ठीक? यस सर। साधन लैंटर। और पीके, शादी उदी होगी कि नहीं? क्या अभी भी कुंवार रही है? अरे पहलवान जी अभी सिर्फ मंगनी हुई, 6 महीने बाद शादी है। ओ हो जाएगी फिर तन्नो, डबल टेंशन, ड्यूटी का भी टेंशन और बीवी का। है ना? सही बोला ना पहलवान? सही बोला रे पापा। अच्छा पीके ये बता, तेरी होने वाली बीवी कैसी है रे? अरे क्या बताऊं यारो, लाखों में एक है। सूरत तो इतनी प्यारी जैसे चश्मे बद्दू। ओ तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, बल्ले 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 चश्मे बद्दू। ओए बलवीरे फिर हो जाए भंगड़ा संगड़ा। ओए भंगड़ा संगड़ा तो होता रहेगा। मैं तुम सब लोगों को एक बात बता दूं, अपने छोटू मेजर है ना, वो संडे को अपने घर जा रहे हैं। हम सब लोगों को उनको विदाई करने जाना है। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा मेजर साहब को विदा करने। क्यों, तेरे को खुशी नहीं क्या? अरे मेजर साहब जा रहे हैं उसकी खुशी तो है, लेकिन ना दुख भी बहुत है मुझे उसका। ओए ठीक है यार, दुख किस बात का होंदा? पहलवान जी तुम उनके जाने से खुश नहीं है? अरे ये बात नहीं है पीके, मेजर साहब के सिवा तो दुनिया में मेरा कोई है भी नहीं। मेजर साहब मुझे अपना भाई मानते और उनके हाथों से दिवाली पे मेरा मुंह मीठा करते हो। उनके बिगैर मेरी ये दिवाली तो एकदम फीकी फीकी लगेगी। ओए की गल है यार, तू फौजी जवान है, जरा दिल कड़ा कर, याद तो मनु भी आएगी मेजर साहब दी। अरे मेजर साहब तो हम सबको बहुत लाड़ प्यार करते हैं। आंसू तो मेरी आंखों में भी है, मगर ये खुशी के आंसू है। हेलो
हेलो चानू, आपकी तैयारी हो गई ना संडे आने की? सॉरी जानू, इस बार मेरे को माफ कर दे, हेडक्वार्टर ने ना मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी। हेलो हेलो जानू, हेलो। अरे पीके, मेरी ना बचपने से ख्वाहिश थी कि मैं देश के वास्ते जान दे दूं। ओए पहलवान जी, एक दुख भरी खबर है। हैं? दुख भरी खबर? क्या हो गया? वो क्या है ना, छोटू मेजर साहब की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। हैं? अभी तो देश के हालात भी अच्छे और वातावरण भी नॉर्मल है, फिर क्यों छुट्टी कैंसिल कर दी गई? ठीक है, ठीक कहता है। हाँ, अब समझा मैं। क्या समझा? अरे ये छुट्टी हेडक्वार्टर से कैंसिल नहीं हुई होंगी, ये छोटू मेजर साहब ने खुद कैंसिल कराए होंगे। लेकिन मेजर साहब ऐसा क्यों करेंगे? ओए पीके, तू अभी नवा नवा भर्ती हुआ है, छोटू मेजर के कमांड में रहेगा तो धीरे धीरे तेरनू सब समझ में आवेगा। क्यों पहलवान, सही कहा ना मैंने? अरे पीके, ये छोटू मेजर है ना बहुत ऊंची चीज है, इसलिए ना हम उनको अपना आइडियल मानते हैं। लगता ना हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अरे करना क्या है, चलो चल के उनको मनाते। ओए चिकना गड़ा है छोटू साहब जी, जिद्दी है, नहीं मानेंगे। अब मैं भी नहीं मानूंगा बलबीरे, अब मिशन पहलवान शुरू हो जाएगा। ओए पहलवान जी, कितने अटैक नहीं तैयारी है? ये मिशन सीक्रेट है। हेलो सर। हाँ सर, आइए आइए, हम सब यहीं पर इंतजार कर रहे हैं आपका। वेलकम सर, मेजर साहब यहीं आ रहे। वो आ गए। स्कॉट सॉल्सन जानो, हैप्पी दिवाली, सबको दिवाली की शुभकामनाएं। सावधान पहलवान। यस सर। अमर सिंह। यस सर। बलवीर सिंह। यस सर। पीके। यस सर। सर, आपको तो सात तोपों की सलामी देने का मन करता है। देश का हर जवान सात तोपों के बराबर है, समझे पहलवान जी? तुसी ग्रेट हो सर जी, कसम वाहेगुरु जी। सर मुझे भी फख्र है कि मैं आपकी कमांड में हूँ। क्या बात है, आज आप लोग बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो। सर दिवाली की खुशी में आज आपने हमारी आंखें भिगो दी। खुशी के मौके पे आंख में आंसू अच्छे नहीं। सर हमारी खुशी के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? सर जी आपने हमारी मोहब्बत में अपनी दिवाली की छुट्टी कैंसिल करवा ली। सर जी आप ग्रेट हो। हाँ, ये किसने कहा आपसे? सर हेडक्वार्टर से हमने इंक्वायरी की तो पता चला आपने खुद हमारे साथ दिवाली की खुशियाँ मनाने के लिए ये सब किया। सर हम आपकी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाने देंगे। अरे ये खुशी के मौके पे ये क्या कुर्बानी, ये वो। अरे सर जी दिवाली की खुशियों को दोबारा करने के लिए हम आपको एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हैं। मेजर सर अपनी आंखें बंद करो। सर अब आप अपनी आंखें धीरे धीरे खोलिए। बापू गुंडी आप लोग, बापू हैप्पी दिवाली। गुंडी आप लोग यहाँ, मैं आप लोग को बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, पर ये सब कैसे हुआ? ये सब ये पहलवान भैया ने किया। अरे इन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर से परमिशन लेकर हम लोगों को यहाँ आने का स्पेशल इंतजाम किया ताकि हम सब मिलके साथ में दिवाली मनाएं। अच्छा तो ये बात है।